बेगूसराय में शराबबंदी के बीच होली में खपाने के लिए शराब तस्करों की ओर से रेलवे के डाक पार्सल से शराब की तस्करी की जा रही है। इसका खुलासा बरौनी जंक्शन पर हुआ जब आरपीएफ और जीआरपी ने सूचना के आधार पर डाक पार्सल ऑफिस में छापेमारी की और 23 बंडल में पार्सल से लाई गई करीब 5,520 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। बताया जाता है किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस और चंडीगढ़ एक्सप्रेस के पार्सल से 23 बंडल में जयनगर से बरौनी के लिए डाक पार्सल भेजी गई थी। कल देर शाम जीआरपी को सूचना मिली कि पार्सल में शराब की खेप है, जिसके बाद जीआरपी और आरपीएफ पार्सल ऑफिस में छापेमारी कर शराब की बोतल बरामद की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आखिर पार्सल को कहाँ पहुँचाना था, किसके नाम से यह पार्सल आई थी, उसी के आधार पर आय की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, पार्सल से सप्लाई हो रही थी शराब की, क्या कुछ पूरी घटनाक्रम सामने आई थी? देखिए, बरौनी जीआरपी और बरौनी आरपीएफ के द्वारा कल रात करीब 9 बजे से लेकर 11 बजे तक यह पूरी सूचना थी कि जो डाक पार्सल रेलवे के द्वारा लाई गई है उसमें कई बंडलों शराब की खेप है। यह पार्सल बरौनी जंक्शन पर जयनगर से भेजी गई थी, जो 8 मार्च और 9 मार्च को सुबह दो ट्रेनों से यह पार्सल लाई गई थी। कुल 23 बंडल जिसमें शराब भरी हुई थी। जब जीआरपी और आरपीएफ ने रात में डाक पार्सल पहुंचकर बंडलों को खोला तो उसमें शराब की बरामदगी हुई है। उन 23 बंडलों में 5,500 बोतल, जो 180 ml का बताया जा रहा है, वह बरामद किया गया है। फिलहाल जीआरपी और आरपीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर जयनगर से जो बरौनी पार्सल भेजी गई, उस पर जो एड्रेस दर्ज की गई है, उसके आधार पर उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास पुलिस के द्वारा की जा रही है और यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर डाक पार्सल से कब से यह शराब की तस्करी की जा रही है, क्योंकि बरौनी में यह पहली बार रेलवे के डाक पार्सल से इतनी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। पुलिस को कभी आशंका भी नहीं हुई थी कि रेलवे के डाक पार्सल से इस तरीके से शराब की तस्करी की जाती होगी। तो पहली बार बेगूसराय में रेलवे के डाक पार्सल से शराब की बरामदगी हुई है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर तस्करों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए।